तो आपने देखा कैसे कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान मुंबई और महाराष्ट्र का है, क्योंकि मुंबई शहर में ही कोरोना का मीटर 9000 पार कर चुका है। लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट क्या मिली, मुंबई कर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भूल गए। तस्वीरें दादर के टीटी बस स्टॉप की हैं, जहां सभी को जाने की जल्दी है, लिहाजा 2 गज दूरी का मंत्र भुला दिया गया है। लेकिन कोरोना के खौफ के बीच ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर दादर टीटी यहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। लोग हैं, कुछ लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग भले ही हो, लेकिन चूंकि कुछ दुकानें खोल दी गई है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स खुली रहेंगी, ये बताया गया है। नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहेंगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी हो या फिर इनसे जुड़े लोग हो, इनकी संख्या शायद लोगों में आज दिखाई दे रही। लोगों की यही लापरवाही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट है। आखिर पुलिस कब तक और कहां तक लोगों के पीछे डंडा लिए भागती रहेगी? उन्हें भी तो कोरोना का डर है। जेजे मार्ग पुलिस थाने के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 6 पुलिस अफसरों और 40 सिपाहियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 55 का पड़ाव पार कर चुके 18 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुंबई में अब तक 3 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पुणे में भी एक पुलिसकर्मी की वायरस ने जान ले ली है, जबकि 10 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन मुंबई वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे। तिलक नगर की सब्जी मंडी से आई ये तस्वीर डराने वाली है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ लोग घूम रहे हैं। जब इस बात पर उन्हें टोका गया तो कुछ लोग चाकूबाजी पर उतर आए। मुंबई में बीते 24 घंटे में 510 केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में वायरस अब तक 361 की जान ले चुका है और 9310 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 14500 के पार जा चुका है और 583 लोगों की मौत हो चुकी है। संकट की इस घड़ी में अच्छी खबर यह है कि जमाती अब्दुल रहमान ने कोरोना को मात देने के बाद दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। फोन आया था हॉस्पिटल से, तो दिल में तजस्सुस था कि यार क्यों देवे अपनी बॉडी का कुछ। लेकिन जब मौलाना साहब दामन बरकातों ने कहा, अमीर जमात है जो पूरे आलम के अमीर है, उन्होंने कहा नहीं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और अपने भाइयों की मदद करो, तो फिर मेरे भी दिल में बात आ गई कि नहीं मुझको देना चाहिए। मुंबई के झोपड़पट्टी धारावी में जिस तरह से कोरोना अटैक हुआ है, उसके मद्देनजर सब्जी मंडी और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही मुंबई के लिए घातक साबित हो सकती है।